हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल ही होंगे। आज स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेके चलते हैं, ठीक है? चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एप्लीकेबल होता है जिस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्म नहीं है। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, देखिएगा क्यू को बाहर रखते हैं, वी को इंटीग्रेट के स्टूडेंट्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स और डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप ध्यान दीजिएगा और इट्स वर्क्स, क्या लिखेंगे कि इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या, आई लेट वर्ड्स किस पे डिपेंड कर रहा है? तो आई लेट वर्ड्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है बच्चा। तो ये आई लेट वर्ड्स है क्या, ध्यान दीजिएगा, आई एल ए टी ई, देखिए तो बच्चा क्या है, आई टी एफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। A फॉर क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर क्या है स्टूडेंट, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है एक्सपोनेंशियल। तो ये सब फंक्शन में अगर ए आया उसके बाद कोई, तो ये फर्स्ट फंक्शन, अगर ए नहीं है ये सब में कोई आया तो ये फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ए। तो इस तरह से आई लेट पे वर्क करता है ना। चलिए नोट कीजिए, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, तो अपने पास पहला मैं दिखाता हूं। तो देखिए तो स्टूडेंट कौन हो गया, फर्स्ट सेकंड मतलब यू और वी। तो लीजिए स्टूडेंट क्या हो गया, डी एक्स वाई डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स का डी एक्स, ठीक है। तो देखिए तो एक्स साइन एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स डी एक्स, अब स्टूडेंट एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, ठीक है इसको लिख लीजिए, है ना। चलिए लिख लीजिए स्टूडेंट्स। तो जब ए हमने निकाल दिया तो आप हमको एक्स कॉस एक्स एक्स साइन एक्स और स्टूडेंट एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये दो का निकाल के बताना है, ठीक है। चलिए गुड, ठीक है। अब बच्चा अपना जो देखना है एकदम देखे कि क्या है, ई रेस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखिए स्टूडेंट आई लेट, तो ये तो हमेशा के लिए क्या हो गया, वी हो गया और ये फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे स्टूडेंट, साइन एक्स को ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस डी साइन एक्स वाई डी एक्स और ई रेस टू एक्स डी एक्स का डी एक्स। तो देखिए तो स्टूडेंट क्या हो गया, ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स, अगेन दिस वन इज यू एंड दिस वन इज वी। तो स्टूडेंट ई रेस टू एक्स साइन एक्स है ना, और ई रेस टू यहां से देखिए कि बाहर किसको रखोगे, तो कॉस रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस यहां से स्टूडेंट d cos x by dx into e raise to x dx, ठीक है। आप देखिए ये ले लिए, तो अब स्टूडेंट्स जब बात करेंगे यहां से यहां तक तो एक क्या दे रहा है, i equal to e raise to x कॉमन ले लिए, तो sin x minus cos x minus स्टूडेंट अगर देखेंगे तो e raise to x into sin x dx है।
तो क्या तुम इसको आई बोल सकते हो? तो यस। तो ये क्या हो गया, ए टू आई इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई टू, ए आई को इधर है, टू को इधर ले आए बेटा, प्लस सी। ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। अभी बच्चा अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं, ई रेस टू एक्स कॉस एक्स डीएक्स, दिस वन इज फॉर यू। ठीक है, ये कोई दिक्कत है स्टूडेंट? नहीं ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, कॉस रूट एक्स डीएक्स। तो देखिएगा ये सब्स्टिट्यूशन का भी काम करेगा। तो पुट कीजिए स्टूडेंट, टी इक्वल टू रूट एक्स डी टी बाई डी एक्स वन बाई टू रूट एक्स। आ जाइए तो टू रूट एक्स डी टी इक्वल टू डी एक्स, ये स्टूडेंट क्या हो गया, कॉस टी इंटू टू टी डी टी। अब बच्चा मैं बोलू टू टी कॉस टी डी टी, तो ये निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसको यू हो गया और ये क्या हो गया, वी हो गया। ए यू हो गया और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो वी हो गया। तो चलिए कंप्लीट टू को बाहर रखते हैं, टी साइन टी माइनस डी टी बाई टी डी टी और कॉस टी डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या हो गया कि आई इक्वल टू टू टी साइन, है ना, साइन टी है, क्या है, साइन टी, और माइनस इसका कॉस का क्या हो गया, साइन, प्लस साइन टी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान देख रहे हैं ना कि यहां से आप देखिए कि अपने पास क्या हो गया कि सेकेंड फंक्शन कॉस टी का साइन टी और साइन टी, यहां से देखिए साइन टी का फिर से क्या हो गया, कॉस टी प्लस सी। स्टूडेंट टी का वैल्यू क्या है, तो टू रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स प्लस सी। नोट डाउन, है ना। एंड नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन इज आई इक्वल टू रूट रूट टेन टेन रूट एक्स डी एक्स। नोट डाउन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो अब स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन आपके लिए कि आई इक्वल टू, देखिएगा कि जिसका इंटीग्रेशन नहीं निकालते, है ना, साइन एक्स हो गया, देखिएगा कॉस इनवर्स एक्स हो गया स्टूडेंट, टेन इनवर्स एक्स हो गया, है ना, तो ये सब स्टूडेंट्स लॉग एक्स टी एक्स। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, बाकी आप करेंगे, है ना। तो आइए स्टूडेंट्स कि अपने पास इसको अच्छी तरह से निकालते हैं, है ना। तो आपको क्या कर दे, तो फर्स्ट नंबर कि आई इक्वल टू, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं, आई प्लेट पे चलता है, तो वन वन, यहां भी वन और यहां भी वन। एक बात बोलूं स्टूडेंट्स, जो फंक्शन पहले से दिया हुआ वो ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन लेना, क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन। और दुनिया में वन से किसी में अगर मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे कायर नंबर कौन सा है, तो वन है। सबसे कमजोर नंबर कौन सा है, वन है। तो आइए स्टूडेंट्स अपने पास वन इंटू साइन एक्स डी एक्स किए, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स एक्स इंटू वन डी एक्स, राइट, डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स और वन डी एक्स। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स देखिए कि आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स
माइनस एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड बताए हैं तो क्लियर होगा कि पुट t इक्वल टू क्या, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स तो माइनस टू एक्स है ना। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के क्या ले लेंगे अपने पास, तो यहाँ से i इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू और t पे पावर माइनस हाफ डी टी। देखिए स्टूडेंट्स क्या हो गया, i इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट टी प्लस सी, आई इक्वल टू स्टूडेंट एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, नोट डाउन। और बाकी जो बचा वो आपके लिए, बाकी किसके लिए है, आपके लिए लिख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात। है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क है कि सेट क्यू एक्स डी एक्स कोसेक क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आपको बना करके भेजना है, आप मनीष सर के नंबर पे भेजना, और कोई भी डाउट होगा तो पूछना है। चलिए स्टूडेंट एक और दिखा देता हूं, लॉग एक्स डी एक्स, तो वन इंटू एक क्या हो गया स्टूडेंट यू, और इसको क्या बोलोगे वी, तो आई इक्वल टू लॉग एक्स और वन डी एक्स माइनस डी लॉग एक्स वाई डी एक्स वन डी एक्स। तो देखिए तो स्टूडेंट क्या हो गया, आई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ये कट गया। ये स्टूडेंट आई इक्वल टू क्या है, एक्स लॉग एक्स माइनस डी एक्स, तो आई इक्वल टू स्टूडेंट एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस, ठीक है, राइट डाउन है ना, लिखे स्टूडेंट्स। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे।